हाय एवरीवन, इट्स शालिनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। दिस इज माय फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर और मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ अफोर्डेबल फेस्टिव पैम्पर रूटीन गाइड। इन दिस गाइड आई एम गोना शो यू हाउ यू कैन डू छोटी से छोटी चीज़ें घर पे एंड टेक केयर ऑफ योर स्किन, बॉडी, हेयर। और प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ किए ना, वो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए, अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं उनसे। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। Let me start by saying, if you have body hair and if you're okay with your own body hair, you really don't have to get rid of it just because I'm talking about it and I'm going to be giving solutions that how to get rid of your body hair, okay? So your girl is a very hairy person and monthly basis pe I prefer waxing treatments. And there are different kind of wax, alright? There is honey wax, chocolate wax, Brazilian wax, peel off wax. So I do prefer going for white chocolate wax treatment by Rika. In short, Rika wax bhi kehte hai. Iske different types hote hai. I've been getting Rika wax done for almost 7-8 years now. It really suits my extremely sensitive skin. या तो आप at home service book करा सकते हो urban company से अगर आपकी city में है तो, या फिर you can go to a salon and get it done. And this is less painful as compared to honey wax. इससे roots से आपके बाल निकल जाते हैं, साथ साथ आपकी body में अगर tanning होगी वो निकल जाता है. It kind of scrubs your body, so it also removes dead skin cells from your body as well because it works on the first layer of your body. Costing की बात करूँ तो मैं अपनी full legs including the bikini line and full hands करवाती हूँ. It costs me अराउंड लाइक 1100 रुपीज पर मंथ अगर मैं मंथली बेसिस पे करा रही हूँ, बट अंडर आर्म्स का अलग से मैं करवाती हूँ, विच इज नॉट रिका वैक्स। आई प्रीफर गोइंग फॉर पील ऑफ वैक्स। पहले मैं रिका वैक्स भी कराती थी जब पील ऑफ वैक्स इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं था, बट अब पील ऑफ वैक्स भी आ चुका है। इट्स क्वाइट लेस पेनफुल एज कम्पेयर टू रिका वैक्स। सो पेन टॉलरेंस समझ रहे हो ना, सबसे ज्यादा मुझे तो हनी वैक्स में पेन होता है, देन देयर इज रिका वैक्स, फिर पील ऑफ वैक्स। पील ऑफ वैक्स से मुझे काफ़ी कम पेनफुल होता है एंड इफ़ यू स्वेट अ लॉट लाइक ड्यूरिंग वैक्सिंग ट्रीटमेंट, गेट पील ऑफ वैक्स डन। ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोना रिग्रेट इट। आई थिंक 150-200 के अंदर पड़ जाता है एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है इसका रिजल्ट। और अगर आपको और अफोर्डेबल करना है अपना पैम्पर रूटीन और वैक्सिंग रूटीन, यू कैन इन्वेस्ट ऑन वैक्स स्ट्रिप्स। दिस इज बाय वीक दैट आई एम यूजिंग। इसके अलावा कारमेसी का भी काफ़ी अच्छा होता है। दिस इज मेंट फॉर सेंसिटिव स्किन। दिस इज प्रीटी ईजी टू यूज़ और इसमें रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, बट आई वोंट सजेस्ट यू यूजिंग दिस इफ़ यू आर न्यू टू वैक्सिंग, अगर आपके बहुत ही छोटे छोटे बाल है, क्योंकि फिर निकल के आते नहीं है। रिका वैक्स से ना छोटे छोटे बाल भी अच्छे से निकल के आ जाते हैं। बट अगर आपको और बजट में बॉडी हेयर को रिमूव करना है तो आप शेविंग प्रीफर कर सकते हो। आई डू नॉट प्रीफर शेविंग बिकॉज आई हैव एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन। शेविंग मुझे सूट नहीं करता है एक्सेप्ट फॉर माई हैंड्स एंड अंडर आर्म्स। शेविंग में लेग्स में प्रीफर नहीं करती क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है मेरी बॉडी। मुझे ना स्क्रैचिंग शुरू हो जाती है, स्ट्रॉबेरी लेग्स हो जाते हैं मेरे, तो मैं वहाँ लेग्स पर प्रीफर नहीं करती। बट अगर मैं जल्दी जल्दी में हूँ और आई डोंट हैव टाइम टू गेट वैक्सिंग डन, देन आई वुड गो फॉर शेविंग फॉर माई हैंड्स एंड अंडर आर्म्स। वहाँ पर चल जाता है, दैट मच टॉलरेंस माई बॉडी हैव। So always use some sort of lubricant or use a razor जिसमें inbuilt lubricant होता है to avoid friction. This is by Carmesi that I'm using. Just wet your hands and then start shaving in the direction of the hair growth. Or you can also invest on shaving foam. Apply that evenly all over your body and then use a razor. This razor is by Let's Shave. मैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। One of the best DIY body scrub this is, you need 2 tablespoon of instant coffee, 2 tablespoon of sugar, sugar mein baad mein thoda sa aur add karungi, and main ingredient is shower gel. Pick a shower gel jiski khushbu aapko pasand hai, jo ki acche se lather bhi hota hai. Before applying the body scrub, you want to make sure your skin is wet or damp. Consistency body scrub ki thodi si thin thi, to maine thoda sa sugar aur add kiya, ab consistency perfect hai. Thoda sa body scrub leke start applying that on your body and rub your body in circular motion. Bilkul bhi harsh tarike se rub नहीं करना है। एंड इफ यू फील कि स्क्रब ड्राई हो रहा है, एड मोर वाटर एंड रब योर बॉडी अगेन। इट्स गोना मेक योर स्किन सो स्मूथ एंड सॉफ्ट। डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में ये मदद करेगा। को इनग्रोथ की प्रॉब्लम है ना, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करें। स्क्रब करने के बाद जस्ट वॉश योर बॉडी विद रेगुलर वाटर एंड नाउ लुक एट माई बॉडी, सो स्मूथ एंड सॉफ्ट इट लुक्स। शार जेल ने बॉडी को हाइड्रेट भी रखा है। आई एम गोना अप्लाई मॉइस्चराइजर नाउ। थोड़ा सा लेके मॉइस्चराइजर पूरे हाथों में अप्लाई करूंगी। कितना सॉफ्ट, ग्लोइंग एंड सपल लग रहा है मेरा स्किन। यू कैन ऑल्सो यूज द स्क्रब बिफोर गोइंग फॉर वैक्सिंग और शेविंग, ताकि आपके बालों को वो लूजन अप कर सके एंड इट कैन लाइक लूजन अप द डेड स्किन सेल्स फ्रॉम योर बॉडी एज वेल। और अच्छे से स्मूथ हो जाएगा आपका स्किन जब आप शेव या वैक्स करवाओगे।
You guys know this is my biggest pet peeve is people smelling bad, and guess what, I'm a sweaty person. This is one of my insecurity as well. So I'm going to talk about two things that I like to do in my day-to-day life that you can also do during this festive season to smell good all day long. First is investing on antiperspirant deodorants. After taking shower, I will apply antiperspirant deodorants around the area jahan pe mujhe bahut zyada sweat hota hai, that is under my arms, between my thighs. Antiperspirants kya karte hain, jo sweat glands hote hain usko block karne mein madad karta hai. Is wajah se sweating kam ho jati hai, aur sweating nahi hogi to wahan pe moisture nahi hoga to bacteria grow nahi hoga to odor nahi hoga aur fir badbu nahi aayegi. Okay, next thing that I'm highly dependent on is investing on good long lasting perfumes that won't give me headache. These two Plum Body Loving EDP are perfect for festive season. They are so long lasting, they can last on your body for up to 12 hours aur ye bilkul bhi headache nahi deta hai. So ye dono vanilla variant hai but alag alag vanilla hai. Smoking wala fragrance tha, main bhi UK leke gayi thi aur maine pura ka pura bottle wahan pe finish kar diya. UK mein London mein ek jagah hai Borough Market karke, wahan ki bakeries ki mujhe ye smell yaad dilata hai. It's so luxurious, delicious and the perfect amount of sweet. I'm literally obsessed with this perfume. So aapko isko apne pulse point pe apply karna hai. This perfume has sweet notes of vanilla. This is mixed with amber and musk to give that spicy twist to the fragrance. And if you like the smell of caramel, then you can also try Vanilla Caramello perfume. This fragrance smells so luxurious, gourmet like. It has vanilla, salted caramel, pistachios. Aap inko apne kapdon mein bhi apply kar sakte ho. Lasting power kafi achhi hai. 12 plus hours tak last kar sakte hain. Highly recommend this perfume. These are vanilla fragrance. So ye dusre perfume jo aap already own karte ho na, uske sath bhi mix or match ho sakte hain. Jo ki main khud karna pasand karti hu. I also like to like mix and match my perfume to have my own custom fragrance. These perfumes are available on Plum Goodness official website and Nykaa.com. Mera code ShaliniM15 bhi use kar sakte ho to get 15% off on your purchases. I do feel hair masks are underrated. जब से मैंने include करना शुरू किया ना hair mask in my hair care routine, मेरे बाल इतने ज़्यादा अच्छे हो गए ना. तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से मैं hair mask use करना पसंद करती हूँ मेरे extremely dry और frizzy ends के लिए. My scalp is oily in nature, but मेरे ends frizzy है. That's my hair type. So in your hair mask, look for terms like deep conditioning and nourishing. बालों को एक बार shampoo करना है, फिर hair mask apply करना है on your wet hairs, skipping the conditioner. Tips में मैं हमेशा extra product apply करती हूँ. अगर आप रेगुलर बेसिस पे हीटिंग टूल यूज करते हो या फिर आपने हेयर कलर करवाया है और आपके बहुत फ्रिजी हो जाते हैं बाल, देन डेफिनेटली ट्राई इन्वेस्टिंग ऑन नरिशिंग हेयर मास्क. मास्क अप्लाई करने के बाद आई एम गोना कीप माय हेयर इन अ बन फॉर 15 मिनट्स एंड देन आई विल रिंस ऑफ द हेयर मास्क. द वाटर दैट आई एम यूजिंग हेयर इज नॉर्मल वाटर, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड. के बाल में आपके फिंगर्स स्लिपरी फील नहीं होने चाहिए. दैट्स व्हेन यू नो कि हेयर मास्क अच्छे से निकल गया है. यूजिंग अ माइक्रोफाइबर टॉवल आई विल टॉवल ड्राई माई हेयर, सोक अप द एक्सेस वाटर फ्रॉम माई हेयर एंड देन आई एम गोना बी यूजिंग अ कंडीशनिंग नाइट क्रीम. अगेन दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ डबल masking that I'm doing. एक तो rinse off mask और एक leave on conditioner apply कर रही हूँ मैं. Sometimes wooden comb की मदद से I would just thoroughly spread the night cream on my hair. और wooden comb ना slip हो जाता है, बिल्कुल बाल टूटते नहीं. You have to be gentle with your hair. And after completely air drying my hair without using any heating tool, this is how my hair looks like. So मेरे wavy hair है, so वो texture दिख रहा है, साथ साथ कम frizz दिख रहा है, कितने soft दिख रहे मेरे बाल. Highly suggest you to include hair mask in your pamper routine. I like to do this once a week. I love doing double masking, that is using two different masks on my face according to my skin type. Ekdam ultimate instant glow deta hai ye skin ko. So I have combination skin, that is my T-zone is on the oilier side and rest of my face is on the normal side. So on my T-zone area, I'm going to be using a detoxifying green tea mask. Bahut acche se ye kaam karta hai meri skin pe, acche se deeply cleanse karta hai pores ko, excess oil ko control karne mein madad karta hai. Nose ke aas pas, chin mein aur forehead pe acche se isko main spread karungi. On rest of my face, I'm going to be using a 24K gold facial mask. It's a hydrating, glowing mask. इसे ना instant result मिलता है आपके skin में, special occasion में, शादी हो, festive season हो. Definitely you can try a mask like this. This really helps to firm the skin and hydrates the skin as well. I'm gonna keep it on for 12 minutes and then I'm going to rinse this off. So मैं ठंडे पानी से mask को remove करना पसंद करती हूँ and using a microfiber towel, I'm gonna remove the mask. So ठंडा पानी में इसलिए prefer भी करती हूँ क्योंकि skin calm down हो जाती है instead of using normal water. After removing the mask, this is how my skin looks like. Can you see that instant glow on my face? I love it. अब post skincare करेंगे, उसके लिए सबसे पहले मैं use करूंगी 10% niacinamide serum. Niacinamide have calming properties. It helps to minimize pore. It also works on acne marks. I'm gonna follow up with niacinamide plus rice water gel cream. Again, this is going to help to control excess sebum production. ऐसा skin को supple और hydrating रखेगा. And look at my skin, how glowing it is looking. I just love masking. It is so therapeutic to me.
तो मेरे सामने वाले दांत काफी स्टेन्ड और पीले हुआ करते थे, हल्दी वाला खाना खाने से, कॉफी पीने से हो ही जाता है। इफ दैट इज योर कंसर्न ऑल्सो, यू कैन ट्राई दिस व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट जेल, दिस इज बाय कोलगेट। दांतों में लगा के यू कैन जस्ट लीव इट ऑन, बट आई लाइक टू रिंस दिस ऑफ आफ्टर 20 मिनट्स। मार्केट में व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स भी है, पर मुझे कुछ फायदे वाला आज तक मिला नहीं, बट दिस हैज बीन वर्किंग फॉर मी। आई हैव सीन रिजल्ट आफ्टर यूजिंग 7 to 8 times। और अगर आपके बहुत ज्यादा पीले दांत है, जैसे लुक एट दिस फुटेज, दिस इज फ्रॉम 2 to 3 years back, देन एक बार आप डेंटिस्ट के पास जाके ना टीथ पॉलिशिंग करवा सकते हो, जिसमें वो हाई प्रेशर वाटर से और आपके दांतों पे एक पॉलिश लगा के क्लेंस करते हैं। दे डू नॉट अप्लाई एनी व्हाइटनिंग प्रोडक्ट ऑन योर टीथ, बस पॉलिश करने से ही काफी डिफरेंस आ जाता है। अगर आपके घर में बहुत बड़ा कोई फंक्शन है या कोई इवेंट है, देन आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर लाइक दिस ट्रीटमेंट, अदरवाइज द व्हाइटनिंग सॉल्यूशन दैट आई गिव यू वर्क्स आल्सो। दिस वाज माय पैम्पर रूटीन गाइड फॉर दिस फेस्टिव सीजन। आई रियली होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल से, देन यू नो व्हाट टू डू, प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विश यू ऑल हैप्पी फेस्टिवल। स्टे सेफ, बी सेफ, बाय एवरीवन, टेक केयर।